भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन। सलीमा, संगीता और निक्की की तिकड़ी दिलाएगी जीत। इस बार भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड से एक या दो नहीं बल्कि तीन तीन खिलाड़ियों का चयन हुआ है। इससे पूरा प्रदेश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। झारखंड से सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और संगीता कुमारी का चयन हुआ है। ये तीनों खिलाड़ी 16 से 19 जुलाई के बीच होने वाले जर्मनी दौरे के लिए उपलब्ध रहेंगी। जर्मनी दौरा करने के अलावा स्पेन में होने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली हैं। स्पेन में 100वीं वर्षगांठ पर स्पेनिश हॉकी फेडरेशन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट प्रस्तावित है। इसके लिए भारतीय टीम ने 20 सदस्यीय महिला टीम की घोषणा कर दी है। इस टीम में झारखंड के खिलाड़ियों का भी चयन हुआ है, जिसमें झारखंड के खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अब हम आपको बताते हैं इन तीनों खिलाड़ियों के बारे में। बात करें सलीमा टेटे की, तो वो झारखंड के सिमडेगा जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत बड़की छापर गांव की रहने वाली हैं। विगत 2016 में जूनियर भारतीय महिला टीम से शुरुआत करते हुए टोक्यो ओलंपिक, विश्व कप, कॉमनवेल्थ गेम सहित कई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। निक्की प्रधान भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं, जो हेसल गांव से आती हैं। निक्की कोई सामान्य खिलाड़ी नहीं है, वो भारत के लिए वर्ल्ड कप से लेकर ओलंपिक गेम्स में खेल चुकी हैं। दुख की बात यह है कि हमारे देश में हॉकी खिलाड़ियों की चर्चा बहुत कम होती है। हॉकी और हॉकी खिलाड़ी तब याद आते हैं जब ओलंपिक में मेडल जीतने की बात आती है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए 3 मैचों की सीरीज में 2 गोल के साथ टॉप स्कोर रही संगीता कुमारी की खूब चर्चा हुई। पहले 2 मैचों में एक एक गोल करने वाली संगीता अपनी प्रतिभा के दम पर भारतीय महिला टीम तक पहुंची हैं। झारखंड के करंगागुरी नवा टोली के आदिवासी गांव से यहां तक पहुंचने का उनका सफर बेहद संघर्षपूर्ण रहा है।